मॉर्निंग वेस्टिडियंस, मैं शिवम सिंघल एग्री ट्रेनर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का वेस्टिज कृषि ज्ञान के 39th एपिसोड में पावर्ड बाय वेस्टिज एग्री। आज हम लोग गन्ने की फसल का पार्ट 3 आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं। गन्ने की फसल जिसके साथ लगभग 11 करोड़ लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जरूरी नहीं कि वो फार्मिंग कर रहे हो सकता है वो गन्ने की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, शायद वो शुगर मिल के ऊपर डिपेंडेंट हैं, लेकिन 11 करोड़ लोग शुगर केन के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं। आज हम पार्ट 3 की बात कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे जब गन्ने की फसल 30 दिन की हो जाती है, व्हेन क्रॉप इज 30 डेज ओल्ड, या फिर 30 डेज आफ्टर सोइंग और प्लांटिंग। इस समय पर हम वेस्टिज एग्री ह्यूमिक का प्रयोग कर सकते हैं। इसको अगर हम स्प्रे के रूप में प्रयोग करना चाहें तो ये 30 ml 15 लीटर के टैंक में प्रयोग करके स्प्रे किया जा सकता है, या फिर 400 से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी में भी प्रयोग किया जा सकता है। ये हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता को तो बढ़ाने का काम करता ही है, साथ ही कल्ले ज़्यादा फूटें इसमें हेल्प करता है और गन्ने का जो विकास है उसको बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा हम लोग एग्री गोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं, वेस्टिज एग्री गोल्ड। इसको हम अगर स्प्रे में प्रयोग करना चाहें तो इसकी मात्रा 15 लीटर में 20 ग्राम रहती है और मिट्टी में प्रयोग करने के लिए 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग किया जाता है। ये हमारी फसल को स्पेशली तनावों से मुक्त रखने का काम करता है। अगर किसी भी प्रकार के जैव और अजैव तनाव हमारी फसल में प्रभावित कर सकते थे तो उनसे रक्षा करने के लिए एग्रीगोल्ड बहुत अच्छा काम करता है और गन्ने की लंबाई और मोटाई को इम्प्रूव करने में भी अपना रिजल्ट दिखाता है। तीसरा प्रोडक्ट है जो कि है वेस्टिज एग्री 82। इसको अगर हम स्प्रे में प्रयोग करना चाहें तो 15 लीटर के टैंक में 5 से 10 ml की मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं और अगर हम मिट्टी में प्रयोग करना चाहें तो 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम स्प्रे कर रहे हैं तो ये एक एक्टिवेटर, स्प्रेडर और वेटर के तौर पे काम करता है ताकि हमें स्प्रे के बेस्ट रिजल्ट मिल सकें, और अगर हम मिट्टी में प्रयोग कर रहे हैं तो मिट्टी की जल धारण क्षमता को इम्प्रूव करने का काम करता है। आई होप दोस्तों ये टिप आप लोगों को पसंद आई होगी। आपके आसपास जहां भी गन्ने की खेती हो रही है आप इस टिप को शेयर करके अपने बिजनेस को वेस्टिज एग्री प्रोडक्ट्स के साथ बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन हम फिर से आपके सामने लेकर आते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं वेस्टिज कृषि ज्ञान के एपिसोड नंबर 40 में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल्थ।